चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। जी मेरे बेटे ने दारू पी जी, रोटी खाई अच्छा स्टे। जी मेरी बहू को सवेरे ही कमी हो गई, हम तो अपनी बहू को लेके चले गए। और तो जी हुआ डॉक्टर का साँझ ही हुए भी, तो जी इतना तक हम घर लो आए, इतना तक मेरा बेटा हो गया था। भी बहरा भी था, गूंगा भी था, बोल नहीं सका था, वहाँ बोल को कुछ बता नहीं सका था। हम उसके मन की अब नहीं बता सकते, मेरे मन की वो नहीं ले सका। मेरे थके हाथ पाँ हाँ जी, ये मेरी सेवा कौन करेगा? ये मेरे आग बखत में किसके बाहर बैठेंगे? उनका नाम क्या था? सुलंदर था जी। तो वो कौन थे, आपके पति थे? हाँ जी, पेट काट कर बेचते ठेकेदारों काम करते जी। बस जी वो तो उस दिन तो वो बस मजदूरी पर गए थे और फिर पाकिस्तान को आए होंगे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया उस दिन। अब बस सुबह देखे हमने, वो हमारे मिले हम फिर जी पता जान का भरा हो रहा है और ये गलत ही नहीं है जी। इससे ज़्यादा क्या गलत होंगे जो घर उजड़ गए। उनका क्या नाम है? नरेंद्र। कौन कौन थे परिवार में, कौन कौन है आपके परिवार में? चार बच्चे मेरा। तो क्या हुआ था उस दिन? मैं मेहमान आ रहे थे हमारे शादी थे, शादी में मेहमान नु गला नु पता नहीं कहाँ कर का है कहाँ नहीं, नु तो मैं नहीं कह सकते जी। जब भाई मेहमान नु पे आई किसी ने भी आई मेहरबानी को तो कोई पता नहीं देता कहाँ मर जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। हम रोटी बना रहे थे। कमाने वाले कौन कौन? कोई ना जी, बच्चे छोटे छोटे बच्ची में ऐसा होना भी ना चाह किसी के लिए, जो दुश्मन हो उसके लिए भी ना हो सा तो हड्डी का भी ना मेरी बंद हो जाओ क्या अभी कभी भी ना ऐसा हो जब जो लोग बाग में बच्चा रुकने की जान बची रहे अपने बच्चों में बैठे रहे। हमारे यहाँ पास में दारू मिलती है कच्ची, ये बिंडू खड़क पड़ता है, तो वहाँ पे इन्होंने सेवन किया। सेवन करने के बाद में इनको दिखाई देना बंद हो गया जी, दिखाई देने के बंद सर में दर्द निकला और जी ये पूरा का पूरा चलने लगा अंदर अंदर। भाई हम तो यही कह रहे थे अगर नहीं हम कल पीने के हम तो जाए बट्टी ही बंद हो जा करते। तो इसमें रोकने के लिए प्रशासन पुलिस कुछ करती नहीं है? उनका महीना था ये बंधाया, और एक महीना मिल गया और अपना एक महीना पीछे कुछ नहीं देखते थे कुछ हो रहा। प्रशासन की कमी है क्योंकि प्रशासन जो है वहाँ पे सख्त नहीं है, सख्त नहीं है क्योंकि उन लोगों को पता है कि हाँ यहाँ पे कच्ची शराब बिक रही है, उसके लिए उनके पास कोई लाइसेंस कोई वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी वो अपना काम चला रहे हैं। तो गरीब आदमी क्या करेगा, तो 30 की पिएगा, उसको ये थोड़ा ही पता कि उसको जहर दिया जा रहा है उसमें। क्या दिक्कतें हो रही हैं इस सब की? दिक्कत आदमी घर में कमाए खाने नहीं देते, जितने कमाओगे दारू पी लेंगे। बच्चे भी फर रहे, मार पिटाई भी कर ली, जब भी निभा जा रहे, इतनी दिक्कत है बहुत ज्यादा घर में। ये जहाँ भी है ना ये बंद होनी चाहिए दारू भी, गांव में बिकने भी, ये जगह जगह सूर के पखरा मई और मई कठरा रोडो पर आते जाते सारे के सारे बद्दो बिरान हो रहे बच्चे। दिक्कत यह होती है 10 साल के बच्चे भी यहाँ दारू पीते हैं, जब ठेके बंद होंगे तभी तो दारू बंद होगी गाँव में निकलनी सा हो ना कतई भी। सरकारी तो कर सकेगी, हमारे बस का क्या है? अरे ये सारे काम सरकार की राजी में को रहे।